हेलो एवरीवन, आज की रेसिपी है मेथी मशरूम मटर मलाई। रेस्टोरेंट स्टाइल सब्जी है, वेज फूड लवर्स को तो पसंद आएंगी ही, नॉन वेजिटेरियंस को भी डिलीशियस लगेगी। हमेशा की तरह अपने सीक्रेट टिप्स एंड ट्रिक्स साथ में दे रही हूँ, लास्ट तक देखें ताकि फॉलो कर सकें। इस रेसिपी में मेथी एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट की तरह काम करेगा और पूरी सब्जी के फ्लेवर्स को बैलेंस और इन्हेंस करेगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मेथी मशरूम मटर मलाई बनाने के लिए हमें चाहिए 2 प्याज, 6 से 8 लहसुन की कलियां, अदरक, हरी मिर्ची, क्रीम, दही, बटर, घी, मशरूम, खड़े मसाले में जीरा, काली मिर्च, दालचीनी, लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, तेज पत्ता, काजू, खरबूज के बीज। मटर को ब्लांच करके लेना है, मैंने फ्रेश मेथी ली है, और इसका पानी उबाल करके फेंक देना है ताकि मेथी का कड़वापन निकल जाए। अगर आप कसूरी मेथी लेते हैं तो उसको पानी में भिगो करके इस्तेमाल कर सकते हैं। काजू और खरबूज के बीज में से आप दोनों ले सकते हैं या कोई एक भी ले सकते हैं। मशरूम को 5-6 मिनट गर्म पानी में डाल के निकाल देना है ताकि अगर कोई इम्प्यूरिटी हो तो निकल जाए। मेथी को ब्लांच कर लेना है, गर्म पानी से निकाल देना है। मटर को ब्लांच करेंगे, खूब गर्म पानी में 1 चम्मच चीनी और 1 चम्मच नमक के साथ उबालना है। जैसे ही उबाल आ जाए इसको बर्फ के पानी में डालना है, इससे कलर इसका अच्छा रहेगा और सॉफ्ट भी हो जाएगा मटर। ऐसा ही मटर चाहिए हमें। ग्रेवी की तैयारी करनी है, प्याज को मोटा मोटा काटना और हरी मिर्ची को। काजू और खरबूज के बीज में से एक का भी आप यूज कर सकते हैं, नहीं तो दोनों आधा आधा यूज कर सकते हैं। कुछ लोगों को काजू खाने में प्रॉब्लम होती है, जैसे जिनको स्टोन हो जाता है वो नहीं खा पाते, ऐसे में खरबूज के बीज का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। प्याज, हरी मिर्ची, लहसुन, काजू, खरबूज के बीज को पानी में डाल के उबालना है। एक टुकड़ा 1 इंच का दालचीनी का डालना है इसके अंदर। काली मिर्ची और हरी इलायची भी इसके अंदर डाल देना है। 5-6 मिनट तक या प्याज के गलने तक इनको उबाल देना है। एक मैं अपनी स्पेशल सीक्रेट टिप बता रही हूँ आपको। उबलते हुए पानी में जब प्याज उबल रहा है, विनेगर डालें आप 1/4 चम्मच, इससे ग्रेवी का कलर बहुत अच्छा आता है। प्याज के गलने तक या 5-6 मिनट तक इसको उबालना है और छान करके इस्तेमाल करना है। ये जो पानी निकलेगा छानने के बाद, उसका इस्तेमाल इस सब्जी में ना करें, क्योंकि इसमें प्याज का बहुत ओवर पावरिंग स्मेल आता है। दालचीनी और छोटी इलायची जैसे खड़े मसाले जो बड़े हैं, इनको निकाल देंगे और पीस लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे बारीक बारीक। बहुत ठंडा पानी इसके अंदर डाल करके इससे ये गाढ़ी स्मूथ बनेगी। अब फ्राइंग पैन को आंच पर चढ़ा दें, 1 चम्मच तेल डालें इसमें और 1 चम्मच इसके बाद बटर डालें, जिससे बटर जले नहीं। केवल अगर बटर डाल देंगे पहले तो वो जलने लगता है। 1/2 टेबल स्पून जीरा डालेंगे इसमें। इसके बाद जो मेथी हमने उबाल करके रखी है उसका पानी निचोड़ करके इसमें डालना है, जिससे इसका सारा कड़वापन निकल जाएगा। इसके बाद इसमें मशरूम भी डालकर फ्राई करेंगे। 5-6 मिनट फ्राई करना है इसको अच्छे से, ताकि मेथी का फ्लेवर पूरी ग्रेवी में अच्छे से आए, इससे सब्जी का टेस्ट इनहेंस होगा। दूसरी तरफ अब ग्रेवी की तैयारी करें। फ्राइंग पैन को चढ़ा लें, उसमें 2 चम्मच ऑयल, 2 चम्मच घी और 1 टेबल स्पून बटर डाल दें। खड़े मसाले में जीरा, लौंग, तेज पत्ता और ये जो बड़ी इलायची है ये डालना है। पर मैं एक सीक्रेट टिप बता रही हूँ आपको, इसको केवल खोल करके इसके जो बीज है उसका इस्तेमाल करें आप, पूरी बड़ी इलायची ना डालें, पर ये डालें जरूर, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। काजू और प्याज का जो पेस्ट बनाया था उसे डाल दें अब इसमें, और धीमी आंच पर लगातार से चलाते हुए पकाते रहें। 20 से 25 मिनट का टाइम लगेगा, पेशेंसली चलाना है। स्वादानुसार नमक डाल दें।
अगर आपने काजू की जगह खरबूज के बीज का इस्तेमाल किया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्रेवी इक्वली ही स्मूथ टेस्टी और गाढ़ी बनेगी। धीमी आंच पर भूनना है, 20 से 25 मिनट का टाइम लगेगा जब तक ग्रेवी से तेल ऊज आउट ना होने लगे। इस तरीके से जब तेल निकलने लगेगा तो एक टेबलस्पून गरम मसाला डाल दें, एक कटोरी दही डाल दें। दही डालते ही इसको लगातार से चलाते रहें ताकि ये फटे नहीं। मटर डाल दें उबले हुए। एक सीक्रेट टिप और बता रही हूँ आपको, आप ऐसी ग्रेवी में दूध का इस्तेमाल कभी ना करें, दही का ही इस्तेमाल किया करें, क्योंकि दूध डालने से सब्जी की सेल्फ लाइफ कम हो जाती है, जल्दी खराब हो सकती है, जबकि दही डालने से सब्जी का टेस्ट ज्यादा देर तक अच्छा रहता है और ज्यादा समय तक सब्जी अच्छी भी रहती है। इसका मतलब है कि सब्जी जितना ज्यादा टाइम लेगी उतना ज्यादा और अच्छी होती जाएगी बाद में भी। अभी फिर से तेल निकलने लग गया है इसमें से। इसमें हम चीनी डाल देंगे आधा चम्मच, इससे फ्लेवर बैलेंस होगा। ये ग्रेवी अब तैयार हो गई है। फ्राई किए हुए मेथी और मशरूम में इस ग्रेवी को डाल देना है और इसको भूनना है थोड़ी देर। तेल अलग होने लग गया है, अब इसमें पानी डाल देंगे और ढक करके 20 मिनट इसको रख देंगे सिम आंच पर ताकि मशरूम पक जाए। इसमें क्रीम डाल देंगे, घर की मलाई डालें ज़रूर, क्रीम बाज़ार का ना डालें, क्योंकि ये मलाई की ग्रेवी है, घर की मलाई से सबसे अच्छी बनेगी, स्मूथ बनेगी। बाज़ार में जो मलाई मिलती है उसमें प्रिजर्वेटिव होते हैं। मलाई डालने के बाद ज़्यादा देर ना पकाएं, सब्जी तैयार है, इसको बंद कर दें और सर्व करें। ये रेसिपी ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में बताएं आपको कैसी लगी। मेरे वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन